बरेली में केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश के तहत कृषि बिल जो पास किए गए उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर होकर कानून का रूप ले लिया है, जिससे मंडी के कर्मचारियों का हित को ध्यान में नहीं रखा गया है। प्राइवेट मंडियां बनेगी और प्राइवेट मंडियां बनने के कारण सरकारी मंडियों का धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सभी मंडियों का अस्तित्व विहीन होने के कारण सभी कर्मचारियों के परिवार और उनके भरण पोषण की समस्याएं उनके सामने खड़ी हो जाएंगी। 25 सितंबर से मंडी एक्ट के विरोध में पास किए गए अध्यादेश का विरोध करने के लिए मंडी के मुख्य द्वार पर मंडी कर्मचारियों के द्वारा ताले डाल दिए गए हैं और सचिव सहित सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मंडी सचिव और कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेश मंडी कर्मचारियों के विरोध में है। इन अध्यादेश के चलते जगह जगह प्राइवेट मंडियां खुलेंगी और सरकारी मंडी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जिस कारण मंडी कर्मचारियों को वेतन भी बमुश्किल मिलेगा, क्योंकि मंडी में किसानों की फसल नहीं आने के कारण मंडी को राजस्व का नुकसान होगा और मंडी की सभी आय पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। मंडी किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 2 अक्टूबर से मंडी कर्मचारी भूख हड़ताल प्रारंभ करेंगे। वहीं मंडी कर्मचारी संघ अध्यक्ष गुरुवार को रायसेन पहुंचकर कलेक्टर को एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। क्या विरोध है सर? केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश के तहत कृषि बिल जो पास किए गए और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर कानून का रूप ले लिया है, जिससे मंडी के कर्मचारियों का हित को ध्यान में नहीं रखा गया है। प्राइवेट मंडियां बनेगी और प्राइवेट मंडियां बनने के कारण सरकारी मंडी धीरे धीरे अस्तित्वहीन हो जाएगी और अस्तित्वहीन हो जाएगी तो सभी कर्मचारियों के परिवार और उनका भरण पोषण का समस्या ने आगामी समय में सामने आएगी। कर्मचारियों का केवल एक मांग है कि हमें